दिल लगी किसरे दिल को दिल लगी न लगे दिल लगी किसरे दिल को दिल लगी न लगे अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मेरे ये ब्लॉग्स जो हैं वो पहले के हैं, जब मैं हॉस्पिटल गई इससे पहले के सारे ब्लॉग शूट हैं, बट अभी तक मैंने इन्हें वॉइस ओवर नहीं किया था, तो मैंने अब वॉइस ओवर करके अपलोड करी हूँ। और तबीयत की वजह से अभी मेरी रमज़ान की भी प्रिपरेशन नहीं हो पाई है। इंशाल्लाह देखते हैं, कैसे भी करनी तो है, तो फिर देखते हैं वो कैसे होती है। आप मेरा ये ब्लॉग देखें, ये जब मैं अपनी फ्रेंड को नेक्स्ट डे एयरपोर्ट छोड़ने गई थी इंग्लैंड, वो वापस जा रही थी यहाँ पर, और हम लोग यहाँ थोड़ा सा लेट पहुँचे, तो वो लोग यहाँ पर लाइन में चली गई थी चेक इन करने के लिए, तो हम लोग जो थे वो वेट। अच्छा, तो यहाँ पर हुआ हम लोगों के साथ एक कांड हुआ कुछ ऐसा कि यहाँ पर दो गाड़ी आई थी, एक मेरे हस्बैंड की थी और एक जो दूसरी वाली फ्रेंड है उनके हस्बैंड की थी। तो उनके तो जो दूसरी वाली कार थी ना, वो तो मेरे हस्बैंड चला रहे थे, उस पर सारे लड़के लड़के बैठे थे, और जो जिनकी दूसरी कार थी वो भी मेरे हस्बैंड के साथ थे। और जो जिस कार पे, मतलब मेरे फ्रेंड की कार थी, उस कार पे हम सब थे, और जिन्हें जाना था इंग्लैंड वो कार चला रहे थे। और इत्तेफाक ऐसा कि उन्होंने जहाँ पे कार खड़ी करी ना, तो वो ऐसी जगह उन्हें पार्क किया कि मैंने भी इतना ध्यान से नहीं देखा था कि कहाँ पे गाड़ी पार्क कर रहे हैं। तो खैर वो लोग चले गए, और बाद में उनसे पूछा गया, उन्होंने चीज़ें बताई लेकिन किसी हम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था। और इत्तेफाक ऐसा कि ऐसे में व्लॉग शूट करती हुई जाती हूँ, बट यहाँ पर मैंने व्लॉग ही नहीं शूट किया था बाहर का, कि जहाँ पे गाड़ी, मतलब दिमाग देखें कि काश मैंने शूट कर लिया होता। अब वहाँ पर ये लोग मुझे कह रहे कुछ थोड़ा सा याद कर लो, थोड़ा सा याद करो, किधर से आई थी, कैसे आई थी। और मैं समझ ही नहीं पा रही कि मैं कैसे करूँ। यहाँ पे मैं घर आ चुकी हूँ, लेकिन वहाँ पर ना इतना देर तक परेशान हुए। फिर मुझे थोड़ा थोड़ा याद आता गया, मैं बताती कि अच्छा वो नीचे बेसमेंट में था, फिर ऐसे था, फिर आई थिंक ऐसे था, मतलब थोड़ा थोड़ा मैं उन्हें बताती रही। आखिरकार मैं दिमाग पर जोर दे रही थी, अच्छा फिर मैंने क्या ऐसा देखा था। और इत्तेफाक ऐसा कि उस टाइम ना इन लोगों की फ़्लाइट लेट हो रही थी, जिसकी वजह से हम लोग ना बहुत तेज़ी तेज़ी भाग रहे थे, तो ये नहीं ध्यान दिया था कि किधर गाड़ी पार्क करी और किधर गए, मतलब बिल्कुल भी दिमाग में नहीं आया था। लेकिन फिर भी ना जाने कैसे मैंने थोड़ा थोड़ा सा सोच सोच के, हाँ फिर कैसे गए थे, अच्छा ऐसे था वैसे था, कर करके आखिरकार मैंने इन लोगों को गाड़ी तक पहुँचा ही दिया। खैर अल्लाह का शुक्र था गाड़ी मिल गई, लेकिन बहुत देर में मिली, मेरा दिमाग बड़ा ही देर में चला था। तो खैर मैं आते ही ना काम में लग गई, फिर खाना पीना खाया, और सास थी मेरी तो जल्दी जल्दी मैंने खाना बनाया। उसके बाद ना ये शाम की है और मेरी सास का मन था पकौड़ियाँ खाने का, तो मैंने फिर गर्मा गर्म पकौड़ियाँ बनाई। उन्हें मेरे हाथ की क्रिस्पी पकौड़ियाँ बहुत पसंद है। तो खैर आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। वैसे आज का मेरा व्लॉग आप लोगों को ज़्यादा अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन मुझे ये बताना था कि मेरे साथ क्या हुआ था, मैं जब एयरपोर्ट गई थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा अपडेट दे ही देती हूँ। खैर व्लॉग में तो यही होता है, आपकी लाइफ में जो चल रहा है उसे थोड़ा बहुत बताते रहे। तो अच्छा, तो ये कुछ दिन बाद की वीडियो मैंने ऐड करी है, जब मैंने कपड़ों की कटिंग करी है मस्टर्ड कलर, मेरी अम्मी ने गर्म सूट भेजा था तो मैंने इसकी कटिंग करी, इसको सिला। तो बहुत दिन से मैंने सिलाई छोड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी थोड़ी कभी कभी कर लेती हूँ, तो ताकि मेरा हाथ साफ रहे, वरना मैं बिल्कुल भी ना अगर सिलना छोड़ दूंगी तो मैं सिलाई भूल जाऊंगी। और सिलाई मुझे लगता है ना कि बहुत ही ज़रूरी है, हर लड़की को ना सिलाई ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि वो अपने कपड़े खुद डिज़ाइन कर सकती है। तो खैर सिंपल सूट ही मुझे बनाने आते हैं, लेकिन मैंने आज सोचा है कि इसे कुछ कॉलरदार में बनाऊंगी। तो खैर मैंने कटिंग करी, उसके बाद ना मैंने ये पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पर मुझे ना सनक है कुछ भी, मतलब बैठे रहना मुझे अच्छा नहीं लगता, कुछ ना कुछ मैं करती रहूँ। तो खैर मैंने यहाँ पे ये कैनवस था, तो मैंने इसे पूरा ब्लैक पेंट करके, और फिर ये मैंने इसे पेंटिंग बनाई थी, जो आप लोगों को पहले भी मैं व्लॉग में दिखा चुकी हूँ, वीडियो शॉर्ट वीडियो में मैंने डाला था इसको। तो ये तब के ही व्लॉग हैं, तो मैं बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ। तो खैर मैंने ये पेंटिंग बनाई थी, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और मेरे व्लॉग्स पर भी कमेंट्स करें, क्योंकि आप लोग के कमेंट्स ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके
तो यहाँ पे मेरा वेट देखे 59.45। तो यहाँ पर ना मेरा वेट बहुत ही कम हुआ है, क्योंकि मेरा वेट 65 था। और आप लोगों को अगर जानना है कि वेट कैसे लॉस करें तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैंने जो ये वेट लॉस किया था वो सिर्फ 30 डेज में वेट लॉस किया था। 65 से 59 पे मैं आई थी, सिर्फ ओनली 30 डेज। तो प्लीज, और मैंने कोई भी डाइट नहीं की थी, आप लोग यकीन करें, जो मैं फॉर्मूला बताऊंगी ना उससे 110% आप लोग का वेट लॉस होना ही होना है। तो फिर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में, जिसको जानना हो तो कमेंट्स करें। बाय, टेक केयर।